मलेरिया एक मखसूस किस्म के जरसों में से होने वाली बीमारी है जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलती है। मलेरिया की इब्तदाई अलामत में कपकपी के साथ तेज बुखार, सर में दर्द, पसीने का आना, मतली और के आना, भूख का कम लगना, पट्ठों की कमजोरी और जोड़ों में दर्द का होना शामिल है। मलेरिया दरअसल मच्छरों से एक बीमारी फैलती है और इसमें जो मरीज होता है उसको एक शदीद बुखार होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है, जिसम उसका टूटता है और उसके ब्लड पे इफेक्ट पड़ता है। कराची महफूज रहा, माजी में भी सैलाब वगैरह से और स्टेगनेंट पानी से महफूज रहा, तो इसकी वजह से मच्छरों की अफजाइश उस तौर से नहीं हो सकी। मच्छरों के काटने से महफूज रहने के लिए दवा लगी मच्छरदानी इस्तेमाल की जाए, जबकि सोते वक्त मच्छर भगाओ तेल या क्वाइल का इस्तेमाल किया जाए। मच्छरों की अफजाइश रोकने के लिए रिहायशी इलाकों में पानी खड़ा ना होने दें। पाकिस्तान में साल में सिर्फ बच्चे बच्चे 1 लाख से ज़्यादा अमवात होती होंगे, लेकिन इस तरफ तवज्जो नहीं देते लोग। और ये वो सीजनल वो नहीं है कि जिस वक्त जो है वो एक वबा फैल गई तो उसको आपने हाईलाइट कर दिया, ये सारा साल मौजूद है। मलेरिया की तशखीस के लिए अपने खून के टेस्ट करवाना भी इंतहाई जरूरी है। मुस्तनद डॉक्टरों की तजवीज़ करदा दवा मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल इलाज कराना भी इंतहाई जरूरी है ताकि मलेरिया के जरासीम का जिस्म के अंदर से मुकम्मल खात्मा हो सके। मलेरिया की अलामत दोबारा जाहिर होने पर फौरी तौर पर डॉक्टर से रिजू करना चाहिए। उनका मलेरिया टेस्ट करते हैं, एमपी टेस्ट करते हैं तो वो नेगेटिव आता है। एमपी टेस्ट नेगेटिव होने की बहुत सारी वजूहात है। एक जब वो ब्लड में मौजूद नहीं था मॉस्किटो, उस वक्त टेस्ट कराया गया। मलेरिया का इलाज बर वक्त ना कराने की सूरत में दीगर कई पेचीदगियों का खतरा भी बढ़ जाता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मलेरिया से बचाव और आगाही का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में हर साल लाखों अफराद मलेरिया जैसे मर्ज का शिकार होकर अस्पतालों का रुख करते हैं, ताहम मामूली एहतियात के जरिए इस मर्ज से बासानी बचा जा सकता है। कैमरामैन याकूब बल्ती के साथ इरफान अब्बासी, मेट्रो 1, कराची।